तो यहाँ से आपको वॉच टाइम तो मिल जाता है, काफी पर्सन का वॉच टाइम काउंट भी हो जाता है और वो काउंट रहता भी है, चैनल भी मोनिटाइज हो जाता है, ये 100% है। तो यही एक रीजन है आपके सब्सक्राइबर्स डिक्रीज हो जाते हैं इस एप्लीकेशन से इंक्रीज होने के बाद। वॉच टाइम भी आपका इंक्रीज हो जाता है बट कुछ टाइम के बाद वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों? तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इस एप्लीकेशन से सब्सक्राइबर्स एंड वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो और आप लोगों ने बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स उस वीडियो पर दिया। तो आप में से काफी पर्सन के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट कर रहे हैं, हमें व्यूज तो मिल रहे हैं और हमें सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे हैं बट वॉच टाइम काउंट नहीं किया जा रहा। तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ ट्यूब माइंड एप्लीकेशन को लेकर। ट्यूब माइंड एप्लीकेशन आपको यूज करना चाहिए या नहीं और अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए, वॉच टाइम किस तरीके से काउंट होगा, सब्सक्राइबर्स किस तरीके से आपके एक्टिव रहेंगे और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना अगर आपको पूरे तरीके से ट्यूब माइंड एप्लीकेशन के बारे में जानना है, इस एप्लीकेशन की रियलिटी जाननी है और आप इस एप्लीकेशन से अपना यूट्यूब चैनल मोनिटाइज करवा सकते हो या नहीं, क्लियरली मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जैनो कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। वीडियो को अभी लाइक कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हो और भाग जाते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एप्लीकेशन की ओर। तो आप में से काफी पर्सन बोल रहे थे कि भाई ये एप्लीकेशन फेक है, इससे तो हमारा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। मैं आपको कैंपेन रन करा के दिखाता हूँ और ये एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है इसकी रियलिटी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि भाई यूज करना है या नहीं। यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, यहाँ से मैंने 5 सब्सक्राइबर्स सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे लाइक्स भी मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए। टाइम रिक्वायर्ड मैंने ओनली 45 सेकंड रखा है। अब यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करता हूँ, एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास कॉइन्स नहीं है, मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ, एप्लीकेशन को वापस से ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ बाय कॉइन्स पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके कॉइन्स को बाय कर लेता हूँ। भाई मेरा बजट है, मैं इसलिए बाय कर रहा हूँ, आपका बजट नहीं है तो बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ पर आपको पेमेंट इसलिए करके दिखा रहा हूँ, कॉइन्स इसलिए बाय करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए किस तरीके से कैंपेन रन होता है। बिकॉज आप में से काफ़ी पर्सन के कॉमेंट्स ये थे कि भाई ये एप्लीकेशन फेक है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे पैसा ना लगाएं, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं तब तक पेमेंट कर देता हूँ। 85 रुपीज यहाँ पे आप देख सकते हो कट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे इस वैलेट में 3000 कॉइन्स ऐड हो चुके हैं, ऊपर की साइड आप देख सकते हो। तो प्लस वाले आइकन पर मैंने क्लिक किया, प्लस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जो कैंपेन चल रहा था तो यहाँ पे क्लिक करके मैं अभी डन पर क्लिक करता हूँ, एक्सेप्ट पर मैंने क्लिक कर लिया, एरर क्रिएट न्यू कैंपेन, तो यहाँ पे मेरे को कैंपेन दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। वेट दोबारा कर लेता हूँ। वीडियो का लिंक पेस्ट करने के बाद मैंने ऐड पर क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग चल रहा है और इस वीडियो को मैं यहाँ पे आपको प्रमोट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे व्यूज मैं 50-10 जितने भी रखने हैं मैं उतने रख लेता हूँ। टाइम रिक्वायर्ड मैं यहाँ पे ओनली 45 सेकेंड रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 450 कॉइन्स ये से मेरे से मांग रहा है तो डन पर मैंने क्लिक किया। डन पर क्लिक करने के बाद कैंपेन रन हो चुका है तो यहाँ पे 450 कॉइन्स कट हो जाएंगे और जितने व्यूज जितना वॉच टाइम मैंने सिलेक्ट किया उतना वॉच टाइम मेरे को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उसके बाद आपको वॉच टाइम मिलता है। दूसरी बात, अगर आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए तो आपको उससे भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा जब आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और व्यूज़ आपको साथ के साथ मिल जाते हैं। आप में से काफ़ी पर्सन ने कैंपेन रन भी किया है और आप में से काफ़ी पर्सन डर भी रहे हैं कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ ये एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है। एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई ये एक दूसरे का वीडियो आपको दिखाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। बाय द वे ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी वीडियो को किसी और को दिखाता है और दूसरे की वीडियो आपको दिखाता है, इस तरीके से आपका वॉच टाइम इंक्रीज होता है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि भाई आखिर यहाँ से सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होने के बाद आप यहाँ पे पैसा लगा देते हो, कॉइन्स लगाकर कैंपेन रन करा देते हो तो आपके सब्सक्राइबर्स तो इंक्रीज हो जाते हैं जितने आप वहाँ पे सब्सक्राइबर्स सिलेक्ट करते हो, वॉच टाइम भी आपका इंक्रीज हो जाता है बट कुछ टाइम के बाद वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों? वही तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि ये एप्लीकेशन यूज करना है या नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने एक चीज नोटिस नहीं किया था, जो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा और वीडियो आ भी गया होगा,
तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने जिस जीमेल आईडी से अपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उससे आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, आपको फेक आईडी बनाना है, फेक जीमेल अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। और जो आप वीडियो प्रमोट करोगे वो आपको अपने चैनल का वीडियो प्रमोट करना है। सीन कुछ ऐसा है कि सब लोग ऐसा ही यहाँ पे करते हैं कि जो भी यहाँ पे कैंपेन रन कराता है वो फेक जीमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है और सब्सक्राइब कर देता है आपके यूट्यूब चैनल को, लेकिन बाद में वो अनसब्सक्राइब कर देता है। तो अगर आप भी ऐसा ही करोगे, सामने वाले बंदे को पहले तो सब्सक्राइब कर दोगे उसके बाद उसको अनसब्सक्राइब कर दोगे, तो भाई क्या होगा, ऐसा ही होगा, सब्सक्राइबर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आपको अभी भी सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक बारी और समझाता हूँ। देखो भाई, सीन कुछ ऐसा है, फेक जीमेल अकाउंट आपने बनाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया, सामने वाले बंदे ने भी फेक बनाकर रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो जब वो अपने यूट्यूब में उस जीमेल आईडी को ओपन करेगा, सब्सक्रिप्शन में जाएगा, तो जिन चैनल्स को सब्सक्राइब किया वो वहां पर आ जाएगा, तो वो इजीली उन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर सकता है जिनको उसने इस एप्लीकेशन के थ्रू सब्सक्राइब किया था। और आपके सब्सक्रिप्शन में भी वो सब सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, वो सब चैनल्स आ जाएंगे जिनको आपने इस एप्लीकेशन के थ्रू सब्सक्राइब किया, तो उनको आप इजीली अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करता है। और यहाँ पे सभी पर्सन फेक जीमेल अकाउंट फेक जीमेल से अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और अनसब्सक्राइब कर देते हैं बाद में। तो यही एक रीजन है आपके सब्सक्राइबर्स डिक्रीज हो जाते हैं इस एप्लीकेशन से इंक्रीज होने के बाद। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई वॉच टाइम काउंट क्यों नहीं होता और काउंट होने के बाद भी वो डिक्रीज क्यों हो जाता है, ये मेन बात है। देखो भाई, सीन कुछ ऐसा है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है भाई, हर एक चीज को कैच कर लेता है, आप कहां से ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, किस तरीके से अपनी वीडियो पर व्यूज लेकर आ रहे हो, किस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर रहे हो, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि इस वीडियो पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आ रहा है, भले ही वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से आपको वॉच टाइम तो मिल जाता है, काफ़ी परसेंट का वॉच टाइम काउंट भी हो जाता है और वो काउंट रहता भी है, चैनल भी मोनिटाइज हो जाता है, ये 100% है, चैनल भी मोनिटाइज हो जाता है, बट यूट्यूब का एल्गोरिदम की नज़र में जिसका चैनल आ जाता है तो उसके चैनल का वॉच टाइम डिक्रीज कर दिया जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, वॉच टाइम इंक्रीज तो हो गया उसके बाद डिक्रीज कर दिया गया या वॉच टाइम काउंट ही नहीं हुआ, तो समझ जाइए आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब के एल्गोरिदम की नज़र में आ चुका है, तो आप इस तरीके से सब्सक्राइबर्स एंड वॉच टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते। और काफ़ी पर्सन के भाई लक के ऊपर डिपेंड करता है, वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स दोनों इंक्रीज होते हैं और इजिली उनका चैनल भी मोनिटाइज हो जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा कि भाई इस तरीके से हम अगर अपनी वीडियो को प्रमोट करेंगे, उस एप्लीकेशन में लिंक पेस्ट करेंगे, उसके बाद व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम इंक्रीज करेंगे, तो यूट्यूब हमारे चैनल को भी टर्मिनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भाई आपको फेक जीमेल अकाउंट से यहां पे रजिस्टर करने हैं, तो आपने फेक से किया है, अगर आप अपने उसी जीमेल अकाउंट से इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाएगा कि भाई आप कांड कर रहे हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ट्रैफिक ले रहे हो, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल भी सस्पेंड हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब आपको डिसीजन लेना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पूरा खुलासा मैंने कर दिया कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करते हैं, तो आपको ही डिसीजन लेना है कि आपको आगे क्या करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो, देखो एंड एंजॉय करो। ध्यान रखना अपना एंड बाय बाय।